किसी ज़माने में हॉकी की बदौलत दुनिया पर राज करने वाले भारत के खिलाड़ियों ने एक समय बताया था कि आदर्श विजेता कैसे बनते हैं। अक्षय कुमार उसी दास्तां को अब दुनिया के सामने लेकर आने वाले हैं, जिसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है। रीमा कागदी के निर्देशन में बनी फिल्म गोल्ड का ट्रेलर सोमवार को यानी आज जारी कर दिया गया। फिल्म के ट्रेलर को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि अक्षय कुमार के हाथ में एक और शानदार उपलब्धि आने वाली है। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कुणाल कपूर, विनीत कुमार सिंह, अमित साध और साथ ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली मौनी रॉय भी हैं। अक्षय पहली बार उनके जीवन में एक बांग्ला किरदार के रूप में नजर आएंगे और फिल्म के ट्रेलर को देख कर उनके ये व्यक्तित्व से साफ नज़र आता है। यह फिल्म उन 12 वर्षों की कहानी है जिसमें भारत स्वतंत्रता तो प्राप्त करता ही है, वहीं साथ ही साथ अक्षय कुमार भारत को हॉकी टीम के साथ ले आते हैं, जो कि उनका सपना होता है, देश को ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाना। फिल्म गॉड की कहानी उसी कालखंड 1936 से 1948 के बीच की है। यह सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, जो कि भारत के पहले ओलंपिक पद जीतने की कहानी है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद 1948 में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, जिसमें भारत में एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर हिस्सा लिया। वहीं भारत के लिए यह बड़े गौरव की बात यह थी कि भारत में उनको गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेजों को उनकी धरती पर ही उन्होंने हराया था। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करते हुए अक्षय कुमार ने लिखा, विजेता ब्रिटिश भारत के अंतर्गत थे लेकिन आदर स्वतंत्र भारत के अंदर हुए। गोल्ड के माध्यम से भारतीय इतिहास के स्वर्ण काल को देखिए। हाल ही में एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा था कि गोल्ड फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी और 12 अगस्त को भारत के एक स्वतंत्र देश के तौर पर पहले गोल्ड मेडल जीतने की 70वीं वर्षगांठ होगी। साल 1948 में हुआ था यह। विशेष बात है कि यह ओलंपिक गेम्स लंदन में खेले गए थे, इसलिए फिल्म की रिलीज इससे अच्छी नहीं की जा सकती। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने इंग्लैंड की धरती पर हॉकी में अपना पहला पदक जीता था। मुझे लगता है कि इस खेल को इसकी बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप इस मूवी को देखने जाएंगे, और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलेगी सबसे पहले।